तो दोस्तों काफी टाइम से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपके चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है एंड ऐसा क्या हो गया कि आपके चैनल पर एक भी वीडियो नहीं है, क्या आपने सारी वीडियो डिलीट कर दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। वेल आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारा चैनल यानी कि टेली ओनली चैनल सोनी सबके शोज के ऊपर वीडियो बनाता था, उनकी न्यूज आप तक पहुंचाता था एंड भी बहुत सारे आपके फेवरेट शोज हैं जिन पर हम वीडियो बनाते थे। एंड दोस्तों जब सोनी सब पर कोई नया शो आता है तो हम सभी यूट्यूबर्स उसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। खैर दोस्तों पॉइंट पर आते हैं कि क्या हमने वीडियो को डिलीट कर दिया है, आखिर हमारे चैनल के साथ ऐसा क्या हुआ। एज यू ऑल नो कि भाई जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके यूट्यूब पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी हैं जहां पर उनके शोज के प्रोमोज अपलोड होते हैं, एपिसोड भी अपलोड होते हैं। एंड दोस्तों जब इनके एपिसोड आते हैं तो इसी चीज का कुछ लोग गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, मतलब उन्हीं के एपिसोड कहीं अदर फेक यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं। एंड दोस्तों ऐसा कुछ बेवकूफ लोग करते हैं जिन्हें कुछ मिलता तो नहीं है, बस थोड़े से व्यूज, थोड़े से सब्सक्राइबर। दोस्तों नुकसान तो यहाँ पर सब टीवी का हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग तो यूट्यूब पर ही उनके एपिसोड्स देख ले रहे हैं जिन्हें अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। एंड दोस्तों उन एपिसोड्स पर अगर आप देखेंगे तो 6 लाख 7 लाख एंड कई पे तो मिलियंस में भी व्यूज आते हैं। भाई मिलियंस लोग तो फेक चैनल पर एपिसोड्स को देख ले रहे हैं तो ओटीटी पर और टीवी पर उनके एपिसोड्स कौन देखेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सब टीवी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों आप सब टीवी के पुराने शोज की टीआरपी देखेंगे एंड अब के शोज की टीआरपी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, बोलोगे कि भाई ये क्या है, सब टीवी है। जी हाँ दोस्तों ये वही सब टीवी है जिनके एपिसोड्स कहीं फेक यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते थे और इसे सब टीवी इग्नोर करता था। लेकिन दोस्तों अब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी बिकॉज सोनी सब के सभी शोज की टीआरपी डाउन ही होती जा रही है। एंड दोस्तों ये चीज कोई भी टीवी चैनल बर्दाश्त नहीं करेगा एंड इसीलिए सब टीवी ने इस पर एक्शन लिया। एंड यहाँ पर सब टीवी ने कुछ ऐसी कंपनियों को हायर किया जिससे उनकी ये डील हुई कि भाई आप हमारे शोज की देखरेख करें, उनके एपिसोड कहीं दूसरी जगह फेक जगह अपलोड ना हो। एंड अगर उनके एपिसोड किसी फेक जगह पर अपलोड होते हैं तो भाई उन चैनल्स को डायरेक्ट यूट्यूब से हटा दिया जाए, उन्हें स्ट्राइक दे दिया जाए। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, कई सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो भाई इस चीज को लेकर पहले से ही अलर्ट हैं। उन्होंने कई सारी कंपनियों को हायर किया है कि भाई उनके एपिसोड कहीं फेक जगह पर अपलोड ना हो, उनके रिव्यू अगर कहीं पर भी दिख जाए तुरंत के तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। दोस्तों सब टीवी पहले से ही इन चीजों को लेकर अलर्ट था बट बहुत ही कम, लेकिन अब सब टीवी बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है जब से भाई उनके शोज की टीआरपी कम आने लगी। एंड दोस्तों मुझे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी कि यार सब टीवी ने इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। एंड दोस्तों सब टीवी ने जितने भी सिक्योरिटी कंपनियों को हायर किया उनके पास भी इनके शोज के राइट्स हैं एंड इसी चीज का इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से यूज किया। दोस्तों इन कंपनियों ने उन फेक चैनल्स पर एक्शन तो ले लिया जो इनके एपिसोड अपलोड करते थे, मतलब कि उनके चैनल्स को यूट्यूब से डायरेक्ट हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस चक्कर में ऐसे कई सारे चैनल लपेटे में आ गए जो भाई इनके एपिसोड नहीं अपलोड करते थे, जो इनके शोज का रिव्यू करते हैं या फिर जो इनके शोज की न्यूज देते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। दोस्तों ऐसे कई सारे चैनल लपेटे में आ गए लाइक इंडियन एडिक, हर्ष टॉक एंड हमारे दोस्त हैं एसएन टॉक। दोस्तों बेचारे का उसका चैनल भी नहीं छोड़ा गया, छोटा चैनल था, अभी जस्ट बंदे ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, उसके चैनल को भी नहीं छोड़ा गया। एंड दोस्तों इस चक्कर में हमारा चैनल भी लपेटे में आ गया। यू नो गाइज हमने अपने चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सिर्फ देव जोशी के आल टीवी शोज के बारे में बताया था जिसपे स्ट्राइक आने का कोई भी चांस नहीं था, बट दोस्तों उस वीडियो को भी नहीं छोड़ा गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कितना ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। एंड दोस्तों इसीलिए हमने अपनी सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। कई लोगों को ऐसा लगा कि हमने अपनी सारी वीडियो को डिलीट कर दिया एंड कुछ लोगों ने यूट्यूब पर इसको लेकर अफवाहें भी फैला दी कि भाई हमने अपने चैनल को छोड़ दिया है, हमने यूट्यूब क्विट कर दिया है। देखिए दोस्तों ये बात सच है कि यार हमने सोच लिया था कि अब भाई हम इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा मैसेज किया इंस्टाग्राम पर और इतने सारे आपके कमेंट्स आए कि भाई आप वीडियो बनाइए। तो हमने भाई अपना डिसीजन बदल दिया और इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए वीडियो अब लेकर आएंगे और जरूर वीडियो लेकर आएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट शो की हर एक न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप हमारे सेकेंड चैनल प्रो रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको थोड़ा डिले वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि इस चैनल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको हमारे सेकेंड चैनल यानी कि प्रो रिपोर्टर पर डेली वीडियो देखने को मिलेगी। तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे उस चैनल को, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी, आपके हर एक फेवरेट शो की अपडेट आप तक पहुंचेगी। एंड दोस्तों आपको हमारे इस चैनल यानी कि टेली ओनली पर भी वीडियो देखने को मिलेगी, बहुत
बहुत जल्द हम इस चैनल पे डेली वीडियो लाने वाले हैं जिस तरह से पहले वीडियो आती थी। बाकी दोस्तों हमारे सेकंड चैनल यानी कि प्रो रिपोर्टर पर कल एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो उस चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई किस रीजन से आपने सारी वीडियो को डिलीट किया या प्राइवेट किया। तो दोस्तों यही रीजन था, हमने आपको रीजन बता दिया, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। एंड हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए यार, हम आप सभी को इतना आसानी से छोड़कर नहीं जाएंगे। बाकी जल्द ही आएगी एक और नई वीडियो। बाकी दोस्तों आप सभी हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, बहुत सारे Q&A करते हैं, आप सभी से बात करते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।